चींटी और कबूतर की कहानी। गर्मियों के दिन थे। एक चींटी प्यास से तड़पते हुए पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद वह एक नदी के पास पहुंची। अब चींटी के सामने एक नई समस्या आ चुकी थी। नदी में पानी तो काफी था, परंतु चींटी सीधे नदी में छलांग नहीं लगा सकती थी, इसलिए उसने एक छोटे से पत्थर में चढ़कर पानी पीना उचित समझा। पानी पीने के दौरान चींटी का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था और टुकुर टुकुर यह दृश्य देख रहा था। फिर क्या था, कबूतर ने सोचा, मुझे इस चींटी की मदद करनी चाहिए, और उसने पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा और पानी की तरफ फेंक दिया। अब चींटी अपनी जान बचाते हुए उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और चींटी डूबने से बच गई। फिर चींटी ने कबूतर को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया और वहां से चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन वही चींटी उस नदी के पास से खाने की तलाश में गुजर रही थी। तभी उस चींटी की नज़र पेड़ के पीछे छिपे एक शिकारी में पड़ती है। वह शिकारी कबूतर की तरफ निशाना ताने बैठा था। यह दृश्य देख चींटी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और इस शिकारी को मजा चखाने का सोचती है। छोटी सी चींटी के दिमाग में एक सुझाव आता है और वह दौड़ दौड़ कर शिकारी के पास जाती है, उसके पैर पर काट देती है, जिस कारण शिकारी का निशाना चूक जाता है और प्यारा कबूतर वहां से उड़कर भाग जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी की सीख है, कर भला हो भला, यानी कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारे साथ अवश्य ही कुछ भला होता है। जैसे कि हमने देखा कहानी की शुरुआत में कबूतर ने कैसे नन्ही चींटी की जान बचाई, जिसका अच्छा फल उसे अंततः मिल गया। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।